नमस्कार, मैं अनामिका बिहारी न्यूज से, और आज हम जानते हैं बिहार की 25 खबरों के बारे में। छात्र छात्राओं का शिक्षा विभाग ने डाटा मांगा। प्रदेश के 77,000 से ज्यादा प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं का डाटा शिक्षा विभाग ने मांगा है। 2019-20 में बच्चों को पोशाक, साइकिल समेत अलग अलग योजनाओं का फायदा दिलाने के लिए आंकड़ा विभाग द्वारा विकसित मेगा सॉफ्टवेयर पर जांच कर एंट्री कर देना। वर्षा का पानी बचाए, मिलेगी टैक्स में छूट। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि निजी मकानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इंतजाम करने वालों को पटना नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स में 5% की छूट देगी। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पहले कभी बाढ़ नहीं आती थी, वहां भी बाढ़ आ रही है। असामान्य और कम वक्त में अधिक वर्षा के कारण बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। बिहार में अगले 2 दिनों में होगी भारी बारिश। बिहार में इन दिनों बदलते मौसम के साथ परेशान हैं। यहां कभी धूप तो कभी बारिश हो रही है। आपको बता दें कि अगले 48 घंटों में बिहार के कुछ हिस्सों में गर्जना के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। बिहार पुलिस को सीएम नीतीश का आदेश मानने से है ऐतराज। 15 अगस्त से बिहार में पुलिस महकमे में कई फेरबदल किए गए हैं। गुरुवार से हुए बदलाव में आपको बिहार के किसी भी थाने में कोई दागी अधिकारी नहीं नजर आएगा, लेकिन पुलिस वालों का कहना है कि इससे पुलिस बल का मनोबल गिरेगा। कांग्रेस का सीएम नीतीश के ऊपर बड़ा बयान। कांग्रेस एमएलसी ने कहा कि बिहार में अब एक पूर्णकालिक गृह मंत्री की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पिछले 14 साल से बिहार के सीएम नीतीश खुद गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं। उनके पास बतौर सीएम ढेर सारे काम हैं और वो पार्टी के प्रमुख भी हैं। ऐसे में बिहार को एक पूर्णकालिक गृह मंत्री का होना बहुत जरूरी है। धारा 370 को लेकर तेजस्वी ने पूछा सवाल। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने धारा 370 को लेकर आखिरकार अपनी राजनीतिक चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि एक सच्चा लोकतंत्र तब मनाया जाता है जब अपनी सरकार द्वारा लोगों को बिना किसी वजह के बंद कर दिया जाता है। बिहार पुलिस के बहाली में मिलेगा आरक्षण। बिहार पुलिस में सिपाहियों के भर्ती के लिए अब आरक्षण मिलेगा। आपको बता दें कि मंगलवार को बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली 2019 को भी मंजूरी दे दी गई। बिहार में राज्य स्तरीय पंचायती राज चुनाव दलीय आधार पर नहीं होगा। पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीना ने कहा कि बिहार सरकार के पास इस तरह की कोई योजना नहीं है। बिहार में 18 आईपीएस का हुआ तबादला। बिहार सरकार ने 18 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक नैयर हसनैन खां को आईजी प्रोविजन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि पटना शहर के जोनल पुलिस महानिरीक्षक सुनील कुमार को विशेष सचिव गृह विभाग के विशेष शाखा में नियुक्ति मिली है। 17 अगस्त से बदल जाएगी पटना शहर की ट्रैफिक व्यवस्था। पटना की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए बिहार सरकार ने कमर कस लिया है। मुख्य सचिव दीपक कुमार खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 17 अगस्त को बहुत सारी महत्वपूर्ण सड़कों पर नई व्यवस्थाएं लागू होगी। बिहार के 125 प्रखंड हो सकते हैं सूखाग्रस्त। सूखे की काली छाया राज्य पर मंडरा रही है। दक्षिण बिहार के दर्जन भर जिले के हालत बहुत ज्यादा खराब है। संभावना है कि इसमें 125 से अधिक प्रखंड सूखाग्रस्त हो सकते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। कांग्रेस विधायक मुन्ना तिवारी ने आगामी विधानसभा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी का जेडीयू में विलय हो जाएगा और 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और जेडीयू साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। चंद्रयान 2 धरती की कक्षा से निकलकर पहुंचा चांद के रास्ते। चंद्रयान 2 चांद के रास्ते पर 6 दिन चलेगा और 4.1 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके 20 अगस्त को चांद की कक्षा में पहुंचेगा। धरती से चांद की दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है। चंद्रयान 2 को चांद के रास्ते पर भेजने के लिए इसरो ने पहले धरती के इर्द गिर्द उसकी कक्षा को बढ़ाया था, जिसका आखिरी चरण 6 अगस्त को पूरा कर लिया गया है। 6 सितंबर को 30 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने के साथ ही चांद की सतह पर उतरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आर्टिकल 370 खत्म करने के विरोध में बोले नेता श्याम रजक। जम्मू कश्मीर से धारा 370 का विरोध करने वाली जेडीयू का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस बेवजह इस धर्म की राजनीति कर रही है। उनका कहना है कि वह आज भी इसका विरोध करते हैं। श्याम रजक ने धारा 370 को हटाने पर कहा था कि यह देश के लिए काला दिन है। वह इसका विरोध करते हैं और इसका कभी समर्थन नहीं करेंगे।
बिहार पुलिस के लिए अब हर एक वर्ष होगी नियुक्ति। डीजीपी द्वारा खाली पोस्ट की गणना के बाद आरक्षण कोटि वार रिक्त पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु केंद्रीय चयन पार्षद को भेजी जाएगी। उसके बाद केंद्रीय चयन पार्षद बहाली की प्रक्रिया शुरू करेगा। लिखित परीक्षा में रिक्ति का 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में चयनित लोगों की शारीरिक परीक्षा भी होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा भी 100 अंकों की होगी। राहुल गांधी ने स्वीकार किया राज्यपाल का न्योता। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के न्योते को स्वीकार करते हुए उन्हें मालिक जी कहकर संबोधित किया है। राहुल गांधी ने बुधवार को किए एक ट्वीट में लिखा कि डियर मालिक जी, मैंने अपने ट्वीट पर आपका जवाब देखा। उन्होंने लिखा, मैं जम्मू कश्मीर आकर लोगों से मिलने के आपके न्योते को बिना किसी शर्त के स्वीकार करता हूँ। ये बताएं कि मैं कब आऊँ। अब से सुबह 9 बजे खुलेंगे बैंक। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के बैंकिंग डिवीजन द्वारा सभी सरकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुबह 9 बजे से खोलने का निर्देश दिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के अनुसार देश भर के सभी बैंकों के खुलने के समय को एक जैसा करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें पहला समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक, दूसरा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक और तीसरा सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हो सकती है। बैंकों द्वारा अपनी टाइमिंग को लेकर राज्य स्तर की बैंकर्स कमेटी के साथ मिलकर फैसला लिया जा सकता है। बैंकिंग की नई टाइमिंग सितंबर से खुलने की संभावना है। ऐसा माना जा रहा है कि बैंकों के खुलने का नया समय सितंबर से लागू हो सकता है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत लगाए गए पौधे। पोलो रोड स्थित पशुपालन सूचना व प्रसार कार्यालय परिसर में सचिव डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी ने अर्जुन और अमलतास का पौधा लगाकर पौधारोपण की शुरुआत की, जिसके दौरान सचिव ने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए पौधारोपण जरूरी है। पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन के सहयोग से पौधारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पशुपालन निदेशक विनोद सिंह गंजियाल ने पूरे परिसर को हरा भरा बनाने की सलाह दी। सहायक निदेशक डॉक्टर दिवाकर प्रसाद ने बताया कि इस परिसर में 150 पौधे लगाने का लक्ष्य। ब्लू लॉट्स फाउंडेशन की ओर से गया में बांटे गए खाद्य सामग्री। बोध गया के बगहा में मम्मी जी एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रम में आवासीय विद्यालय का संचालन किया गया है। इस मौके पर फाउंडेशन की ओर से स्कूल के बच्चों के लिए 1 महीने का खाद्य सामग्री दिया गया है। इस संस्था की महिला ब्लू लॉट्स ने बताया कि बच्चों के दिलों में हमेशा उसके माता पिता की याद बनी रहे, इसीलिए खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बच्चों को योगाभ्यास भी करवाया। नई सिरे से चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा। बीजेपी अपने संगठन में नए सिरे से चुनाव करवाने की तैयारी में जुट गई है। अमित शाह के बाद बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसके लिए अब जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी राधा मोहन सिंह ने दिल्ली में हुई बैठक के बाद कहा कि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का चुनाव होगा। इन चुनावों के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए तारीख तय कर दिए जाएंगे। जदयू सांगठनिक चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में। पटना जिले के सांगठनिक चुनाव को लेकर गजेंद्र सिंह को जिला निर्वाचन पदाधिकारी और विद्यानंद बिकल को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मुजफ्फरपुर के लिए कुमारेश्वर सिंह को जिला निर्वाचन पदाधिकारी और दीपक पटेल को पर्यवेक्षक बनाया गया है। 18 अगस्त को नए नियुक्त जिला पर्यवेक्षकों और पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है, जिसकी जानकारी राज्य निर्वाचन पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार सिंह ने दी है। पंचायत चुनाव में आया नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। बिहार में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होंगे। नीतीश सरकार ने पंचायती राज सरकार को लेकर यह बड़ा फैसला किया है, जिसमें पंचायती राज विभाग से जुड़ी योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई। प्रधान सचिव अमृत लाल मीना और विभागीय मंत्री कपिल देव कामत ने इस बात की तत्काल जानकारी दी। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की निर्वाचन प्रक्रिया दलीय आधार पर कराने का कोई विचार फिलहाल सरकार के पास नहीं है। सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर फोकस है कि पंचायती राज व्यवस्था के जरिए सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच सके। बिहार के कुल 1,14,000 वार्डों में से 60,000 वार्डों में पक्की नली गली
बनकर तैयार हो गई है, जबकि 25,000 से ज्यादा वार्डों में हर घर नल का जल भी पहुंचाया जा चुका है। पटना पुलिस के हाथ लगे फायरिंग करने वाले दो शख्स। राजधानी में बढ़ते अपराध पर पुलिस नकेल कसने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है, जिसके दौरान पटना पुलिस ने देर शाम कदम कुआं इलाके में फायरिंग करने वाले दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात में एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसका इलाज पटना PMCH में चल रहा है। भारत के मशहूर पहलवान बजरंग पुनिया ने ट्वीट कर कहा, पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा है कि न कश्मीर में ससुराल चाहिए, न ही वहाँ मकान चाहिए, बस कोई फौजी तिरंगे में लिपट कर न आए, ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। जय हिंद जय भारत। उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग उनकी खूब तारीफें कर रहे हैं। तो अब जानते हैं आज के मौसम के बारे में। छपरा, गया, भागलपुर, मधुबनी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, राजगीर और सुपौल में सामान्य बादल छाए रहेंगे। इन सभी जिलों में कड़कती बिजली के साथ बारिश होने की संभावना है। अभी के लिए इतना ही। बिहार की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।